नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकमत न्यूज। कल का मैच तो आपने देखा ही होगा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मैच था, काफी टक्कर का मैच था। और कल की अगर हम बात करें तो कल दो मैच थे, दोनों मैचों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड। तो दोनों के बीच मैच था और कल सबसे पहले इंडिया की जीत जो हुई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है स्पोर्ट्स डेस्क के हमारे सहयोगी अभिषेक जी। तो जानते हैं कि किस खिलाड़ी ने कल दमदार प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान का के कैसा प्रदर्शन रहा, ये सब कुछ बताएंगे अभिषेक जी। अफगानिस्तान को भारत ने कल हरा दिया 11 रन से, लेकिन ये जीत जितनी आसान लग रही थी उतनी हुई नहीं। और टीम इंडिया को पहली बार इस वर्ल्ड कप में जिसे कहते हैं कड़ी टक्कर मिली, और कहीं ना कहीं एक समय तो भारतीय फैंस, भारतीय कैप्टन, भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पे पसीना, माथे पे पसीना आ गया था अफगानिस्तान टीम ने जैसा प्रदर्शन किया है। और लेकिन अंत भला तो सब भला, भारत ने इस वर्ल्ड कप में 5 मैचों में अपनी चौथी लगातार जीत दर्ज की। एक मैच बारिश में धुला था, पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पे आ गए हैं, राहत की खबर है। और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने अपना जो दावा है वो मजबूती से बनाए रखा है। इस मैच की अगर बात करें ओवरऑल कुल स्कोर की, तो भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी साउथहैम्पटन में। उनको लगा कि शायद वो बड़ा स्कोर कर पाएँ, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब इसमें सफल रहे नहीं। अफगानिस्तान के स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 224 रन ही बना पाई। विराट कोहली ने 67 रन की पारी खेली, केदार जाधव ने हाफ सेंचुरी जड़ी। पर उसके अलावा देखिए तो रोहित शर्मा जो लगातार पिछले दो मैचों में उन्होंने शतक जमाया था, इस वर्ल्ड कप में 2 शतक जमा चुके थे, वो फ्लॉप रहे। मुजीबुर रहमान ने उनको सिर्फ 1 रन पे बोल्ड कर दिया। और ये पहली बार था इस वर्ल्ड कप में जब किसी स्पिनर ने जो है भारतीय बल्लेबाज को आउट किया था। तो अफगानी स्पिनरों ने कुल मिला के 5 विकेट झटके। और हालांकि उसके बाद कोहली और राहुल के बीच साझेदारी हुई, फिर जाधव और धोनी ने एक 68 साझेदारी की थी, लेकिन मामला उस तरीके से बन नहीं पाया जो जितना स्कोर टीम इंडिया को लग रहा था कि वो खड़ा कर पाएंगे। और अफगानिस्तान ने भारत को कहना चाहिए 8 विकेट पे 224 के स्कोर पे रोक दिया। लक्ष्य था 225 रन का, तो उसके जवाब में अफगानिस्तान की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। पर उसके बाद खास तौर पे मोहम्मद नबी की, यहाँ पर मोहम्मद नबी का जिक्र करना होगा, उनकी तारीफ़ करनी होगी। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में शानदार बैटिंग की, 52 रन की लाजवाब पारी। और एक बार तो ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान यहाँ पे उलटफेर कर देगा, पर आखिरी दो ओवर थे जो क्रूशियल थे, वहाँ पे 21 रन चाहिए थे। जसप्रीत बुमराह ने जो 49वां ओवर फेंका, शायद मैच वहाँ से इंडिया के लिए सेट हुआ। सिर्फ 5 रन दिए, 6 बॉल उन्होंने जो फेंकी, 6 यॉर्कर थी। जब आखिरी ओवर करने आए मोहम्मद शमी तो 16 रन चाहिए थे जीत के लिए अफगानिस्तान को। पहली बॉल पे नबी ने चौका लगा दिया, तो ज़रूर ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान यहाँ से कुछ ऐसा उलटफेर आज कर देगा। लेकिन उसके बाद खैर अगली बॉल पे सिंगल लिया नबी ने, फिर उसके बाद शमी ने कमाल किया और उन्होंने हैट्रिक ली आखिरी ओवर की 3री 4थी 5वीं बॉल पर विकेट लेते हुए, और वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए। चेतन शर्मा ने 1987 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था। कुल मिला के वनडे में हैट्रिक लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज बने हैं, उनसे पहले चेतन शर्मा, कपिल देव, कुलदीप यादव और अब मोहम्मद शमी ने। भारत ने अंततः ये मैच एक गेंद बाकी रहते 11 रन से जीत लिया। लेकिन इस मैच में अगर देखें तो अफगानिस्तान के प्रदर्शन की काफ़ी तारीफ हो रही है। उन्होंने जिस तरह से टक्कर दी, लगातार 5 मैच इस मैच से पहले वो हारे थे, पर इसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को लगभग किस काफ़ी हद तक उन्होंने डरा सा दिया था। तो ये है अपडेट। बिल्कुल। और इस मैच में अगर भारत की टीम की बात करें तो बॉलिंग और बैटिंग में सबसे अच्छा मतलब प्रदर्शन किसका रहा? बैटिंग में अगर कहें तो विराट कोहली ने फिर से अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 63 गेंद पर 67 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा जाधव ने थोड़ी धीमी सही, पर थोड़ा जब विकेट टफ था, मुश्किल विकेट पर उन्होंने 8 शतक लगाया। और धोनी की बात अगर, धोनी ने काफ़ी वक्त लिया, 52 गेंदों पर सिर्फ 28 रन बनाए, इसके लिए आलोचना भी हुई उनकी धीमी बैटिंग के लिए, पर शायद परिस्थितियाँ वैसी थी। पर कल उनका बल्लेबाजी में तो जादू नहीं दिखा। केएल राहुल ने 30 रन बनाए, विजय शंकर ने 29 रन, पर इन दोनों ने भी कंपेटिवली धीमी बैटिंग की। शायद अफगानी स्पिनरों को खेलना उस विकेट पे मुश्किल हो रहा था। अगर इंडिया के गेंदबाजी की बात करें तो वही फिर से बात आती है, मोहम्मद शमी ने 4 विकेट झटके, हैट्रिक ली उन्होंने। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेटें ली, हार्दिक पांड्या ने ली 2 विकेटें, तो युजवेंद्र चहल ने भी 2 विकेट ली। तो कुल मिला के जसप्रीत बुमराह बाद में मैन ऑफ मैच बने। उन्होंने जिस तरह से आखिरी ओवर में गेंदबाजी की, इस एक ओवर में उन्होंने 2 विकेटें भी निकाली थी बीच में,
तो कुल मिला के भारतीय टीम के जीत के स्टार बुमराह गेंदबाजी में, मैं कहूँगा ये जीत जो है बल्लेबाजों से ज़्यादा गेंदबाजों के प्रदर्शन की वजह से मिली है। और ये इस वर्ल्ड कप में पहला मौका था जब गेंदबाजों का टेस्ट था, इंडियन गेंदबाजों का, क्योंकि इसके पहले मैचेस में उनके बल्लेबाजों ने ही कमाल करके मैच निकाल लिया था। लेकिन इस टेस्ट में कामयाब रहे और सिर्फ 25 रन को डिफेंड कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने 11 रन से जीत दर्ज की। बिल्कुल, तो मतलब कल बड़ी कांटे की टक्कर रही है मैच में। और कल 29वां मैच था आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का, 29वां मैच न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच था। तो उस मैच में क्या रहा, कैसा प्रदर्शन रहा, किस खिलाड़ी ने ज़ोरदार खेला, ये सब कुछ बताते हैं आपको। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज़ का जो मुकाबला था, इसे न्यूजीलैंड ने 5 रन से जीता है, काफ़ी करीबी मुकाबला। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 291 रन बनाए 50 ओवर में, इसके जवाब में वेस्टइंडीज़ की टीम जो है 49 ओवर में 286 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पर मैच में खास बात ये रही कि न्यूजीलैंड जो पहले बैटिंग करने उतरी थी उसकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। सेल्डन कॉटल जो वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज, उन्होंने पहले ओवर में 2 झटके दे दिए, उनके दोनों ओपनर जो हैं कॉलिन मुनरो मार्टिन गप्टिल उनको वापस भेज दिया था। पर इसके बाद कप्तान केन विलियमसन जो शानदार फॉर्म में हैं इस वर्ल्ड कप में, कल उन्होंने फिर से शतक जड़ा है, दूसरा शतक है। रॉस टेलर के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 160 रन की साझेदारी की, वहाँ से जो टोन सेट हुआ न्यूजीलैंड के लिए। फिर उन्होंने 7 रन पे 2 विकेट आउट थे, पर वहाँ से वेस्टइंडीज़ के पकड़ से निकल के उन्होंने 291 रन का स्कोर वो खड़ा करने में कामयाब रहे। जवाब में वेस्टइंडीज़ की भी शुरुआत ख़राब रही थी, पर क्रिस गेल ने शानदार बैटिंग की, उन्होंने 87 रन बनाए। पर गेल और हेटमायर, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी जड़ी थी, पर इसके बाद जैसे ही हेटमायर आउट हुए, वेस्टइंडीज़ की टीम की बैटिंग जो है लड़खड़ा गई, 164 रन पे 7 विकेट गिर गए, और ऐसा लगा कि मैच एक तरफा हो चला, न्यूजीलैंड आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कार्लोस ब्रैथबर्ट ने शतकीय पारी खेली 101 रन की, और जब ऐसा लगा कि मैच वेस्टइंडीज़ जीत जाएगी, फिर से वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि हार गई। उनको आखिरी 7 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, और ब्रैथबर्ट ने एक जोरदार शॉट लगाया ये सोच के छक्का होगा, लेकिन वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। तो फिर ये मैच जो है वेस्टइंडीज़ की टीम 5 रन से हार गई। और आज के मैच की अगर हम बात करें तो आज किन टीमों के बीच मैच है? आज मैच है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच, ये लॉर्ड्स में खेला जाएगा, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में। इस वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा ये लॉर्ड्स में। इन दोनों टीमों के बीच अगर अब तक हुए वर्ल्ड कप मुकाबलों की बात करें तो 4 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं। इनमें से साउथ अफ्रीका ने 3 बार बाजी मारी है, पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच जीता है। साउथ अफ्रीका ने 1992 से 99 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान को लगातार 3 बार हराया था, पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बार उसे हराया 2015 वर्ल्ड कप में। ओवरऑल रिकॉर्ड, वनडे रिकॉर्ड में भी साउथ अफ्रीका आगे है, 78 बार इन दोनों के बीच 78 जो वनडे मुकाबले हुए उनमें से साउथ अफ्रीका ने 50 और पाकिस्तान ने 27 मैच जीते, 1 मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। ऐसी ही देश दुनिया की खबरें, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए लोकमत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।